जय माता की दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और अभी सुबह सुबह घर पे कन्या पूजन किया है। जैसे आज अष्टमी थी तो हमारी अष्टमी की कढ़ाई लगती है, तो सभी बच्चों को कन्या पूजन करके और छोटी छोटी कंजकाई थी, तीन तो हमारे पास ही हो जाती है, बाकी गली में भी काफ़ी है, तो सभी को बुलवा के उनको भोजन करवा के और अभी आया हूँ दुकान पर। और अभी एक कस्टमर आए थे, उनकी बनानी है हमें सेटरिंग की प्लेट और वो लगाएंगे उसके ऊपर लाल प्लाई। हमें सिर्फ उनके एंगल के फ्रेम बना के देने हैं और फ्रेम में भी कुछ उन्होंने इस तरह बताया कि भी हम वर्टिकल जोड़े या हॉरिजॉन्टल जोड़े उसको, जैसे मान लो वर्टिकल हो गया और हॉरिजॉन्टल है, तो अगर उनको साथ के साथ जोड़ें तो जो उनके सुराख करते हैं ना प्लेटों के, वो एक सीध में आने चाहिए। तो पहले उसके एक बार ड्राइंग तैयार करूँगा, ड्राइंग तैयार करके फिर मिस्त्रियों को दूंगा और फिर अपने तैयार करवाएंगे ये चीज़। और पहले एक बार घर जा के आता हूँ, पहले पानी लेके आते हैं घर से, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है हमारा। और वैसे भी अब तो गर्मी हो गई है, तो अब के बाद अब तो बर्फ़ डलवाने लगे, ठंडा पानी लेके आऊँगा। नीचे हमारे ये इतने पायलट तैयार हो चुके हैं, देखिए ये रखे हैं यहाँ पे और बाकियों को यहाँ पर ठोक रहे हैं। आज तो बच्चों की मौज हो रही है, कोई कितने पैसे इकट्ठे करके लाया, कोई कितने पैसे, और देश बिना के प्लास्टिक के टिफिन, ये देखिए इतने सारे, ये भी ये देखो, ये सारे आज भी इकट्ठे किए इन्होंने। मतलब तुमने तो मौज कर दी। इतने सारे टिफिन आज भी इकट्ठे करके लेके आई है। चलो तुझे क्या मिला, तुझे भी मिला टिफिन। अच्छा तो देश बिना के टिफिन ले गए, देखिए कितने सारे रखे हैं। अरे तुझे नहीं मिला टिफिन, बहुत इसको भी टिफिन मिले। और ये हमारी गुल्लू महाराज, ये नीरे चिप्स कुरके खाने, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी है फिर भी ये खा रही है। इनका तो ऐसे सीजन आता है अष्टमी वाले दिन नवरात्रों में, अभी मिलेंगे इनको। ये इनके डब्बे इकट्ठे हो गए और इतने सारे केले इकट्ठे हो चुके हैं, अब केलों का जूस बनाएंगे और केले जूस पियेंगे। देखो हाँ, ये देखो इनका पोलिथीन भर चुका है केलों का। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं तैयार कर रहा हूँ जो एंगल के फर्मे बढ़ाने हैं ना, उनका 3D मॉडल तैयार करेंगे एक बार, ताकि मिस्त्रियों को समझाने में आसानी रहे। अभी कई बार आपने सुना होगा कि जैसे 35-35-5 के एंगल लेंगे या 40-40-5 के लेंगे, तो 35-35-5 और 40-40-5 क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से एंगल होती है इसके, जो ये दो साइड होती है ना, ये होती है 35 mm की, इस सिरे से लेके और इस सिरे तक, तो इसको हम 35 mm और इस साइड को भी 35 mm बोलते हैं। और जो पाँच बोलते हैं ना, वो पाँच होती है इसकी थिकनेस यहाँ से लेके और यहाँ तक की, तो ये हो जाता 5 mm। तो इसलिए इस एंगल का नाम 35-35-5 होगा या फिर 32-32-5, जो भी उसकी मेजरमेंट होगी उस हिसाब से हम इनका नाम रखते हैं और इसी ऐसे हम इनको काउंट करते हैं। तो चलिए अभी एक बार ये ड्राइंग तैयार कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। तो दोस्तों, हमारी एक प्लेट ये तैयार हो चुकी है और इस तरह की 21 प्लेटें बनेंगी। तो ये वाली है जो, ये 21 प्लेटें तैयार करनी है हमें, इनमें सुराख करनी है। और जो साइडों वाले सुराख करी है ना हमने, जो साइडों वाले होल्स हैं, ये मैच होने चाहिए ऊपर वाली प्लेट के साथ, ताकि वे उनको अगर घुमाकर भी लगाए प्लेटों को, जैसे अभी घुमाकर दिखाता हूँ मैं आपको, तो भी ये पूरी फिट बैठे इस कारण से। अभी इसको पूरी को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं हम, तो साइड में एक छोटा सा एंगल का टुकड़ा और कॉपी हो चुका है उसको छोड़ते हुए, तो इसको पूरी को यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे और अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये रहा। तो अब इसको घुमा के एक बार लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे कस्टमर है वो चाहते हैं कि प्लेटें हम इस तरह से भी जोड़ें, तो भी वो प्रॉपर तरीके से फिट बैठनी चाहिए।
और उनके होल्स भी मिलने चाहिए। तो दोस्तों नक्शा तो हमारा जो ड्राइंग थी वो तैयार हो चुकी है और अब दे के आऊँगा मैं लोहे वाली दुकान पे और तैयार करवाते हैं प्लेटें फिर। तो दोस्तों हमारी ये फर्मे थे जो कॉलम के, ये तैयार हो चुके हैं। अभी पाँचे तैयार हुए हैं, पाँच और करने हैं बस। अभी इनमें होल्स कर रहे हैं इस तरह से ताकि सारी प्लेटें आपस में जुड़ी रही। अब सभी प्लेटों के ऊपर नंबर लगाएंगे। ये साथ के साथ पानी इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि बर्मा गर्म हो जाता है तो ताकि ठंडा रहे।